जौनपुर के सुजानगंज थाना अंतर्गत गांव भुईधरा में विगत लगभग एक महीने पूर्व कुछ दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट कर एक घर के ही 5 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायलों में एक दिव्यांग महिला भी थी। शुरुआत में तो दबंगों पर पुलिस मामला ही दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन क्षेत्रीय जनता के दबाव के चलते किसी तरह NCR दर्ज करके पुलिस ने अपना पीछा छुड़ाया, लेकिन आज तक दबंगों पर कोई भी पुलिस या प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो सकी। इतना बड़ा मामला होने के बाद भी कार्रवाई ना होने से पीड़ितों में और क्षेत्रवासियों में असंतोष है। दबंग खुलेआम घूमते हैं और धमकी देते फिरते हैं। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पूरा मामला जनपद जौनपुर के सुजानगंज थाना अंतर्गत गांव भुईधरा का है, जहां पीड़ित लालचंद तिवारी ने आरोप लगाया है कि उनके बगल के ही दबंगों ने उन्हें और उनके विकलांग पत्नी तथा तीनों बच्चों को बेहद बुरी तरह मारा, जिससे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनको इलाज के लिए काफी दिनों तक रखा गया, लेकिन दोषियों पर कोई कार्रवाई न होने से पीड़ितों में और क्षेत्र की तमाम जनता में असंतोष और आक्रोश है। पुलिस द्वारा इस मामले में हीला हवाली करना और आरोपियों का साथ देकर एक पक्षी कार्रवाई करना, यह पुलिसिया कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। पीड़ित ने P News के सामने भी अपना दर्द बयां किया। आइए आपको सुनाते हैं कि पीड़ित ने कैमरा पर क्या कुछ दास्ता सुनाई है। नाम, गांव और क्या समस्या है आपकी? हमारा नाम पंकज तिवारी, गांव भोईदरा। हमारी समस्या यह है कि हमारे पड़ोसी दिनेश तिवारी और उनके परिवार के लोगों ने जलखात भूर गड्ढे की जमीन पाट रहे थे, उससे हमारा पानी निकास या भूर गड्ढे पर हमारे कब्जा करने के कारण हमारे पिताजी मना किए, तो उनको मारा पीटा, मारे पीटे वो लोग। मारने पीटने के बाद हम लोगों को जैसे पता चला वैसे ही हम लोगों ने 112 नंबर पुलिस फ़ोन किया। एक घंटे बाद 112 नंबर आई और दोनों को थाने पे ले गई। वहाँ से 151 में चालान कर दिया गया दोनों बच्चों का। दोनों बच्चों का चालान होने के बाद हमने तत्काल जाके SDM के यहाँ जमानत करवाई अपने पिताजी का। जमानत करा के जैसे ही घर लौटे वैसे दिनेश उसके जो हमने पुलिस बुलाया उसके आक्रोश बस दिनेश तिवारी और दिनेश तिवारी के परिवार वालों ने हमारे घर पे आकर घर में घुसकर लाठी डंडा फावड़े से वार किए और बहुत बुरी तरह से हमें और हमारे भाई धीरज तिवारी और विकलांग माता प्रेमा देवी को बहुत बुरी तरह पीटा गया। हम लोग को इतना जान से मार कर अधमरा करके छोड़ दिया। उसके बाद बीच बचाव के कुछ लोग थे, उन्होंने बीच बचाव किया और बचा किसी तरह से हम लोगों का जान बचा। उसके बाद उन लोगों द्वारा पड़ोसियों द्वारा एम्बुलेंस बुलाया गया, एम्बुलेंस से सुजानगंज अस्पताल ले जाया गया है। वहाँ हम लोग का टाँका या इलाज पट्टी हुआ। उसके बाद हम लोग को सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। हम लोग सदर गए, सदर से 4 दिन तक भर्ती रहे, वहाँ इलाज चला। उसके बाद हमें डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद थाने पे आए, थाने पे हमारा कोई FIR नहीं लिखा जा रहा है। बहुत कहने सुनने के बाद NCR दर्ज करके हमें थाने से हटा दिया गया और बोलते हैं कि जाके कोर्ट जाओ, कोर्ट से ही तुम्हारा हर कोई वो होगा, यहाँ से कुछ नहीं होगा। किस तारीख की घटना है ये? 19/7/2020 की। तो NCR अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ। FIR दर्ज नहीं हुआ, पुलिस